खबर है उड़ीसा से पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी और मंडी की समस्या को लेकर पूरे उड़ीसा में आज 6 घंटे चक्का जाम रहा। आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूरे उड़ीसा में कांग्रेस दल ने उड़ीसा में बंद किया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पटनायक के नेतृत्व में यह कार्य किया गया, जिससे उड़ीसा में जनजीवन प्रभावित हो गया तथा साथ ही भुवनेश्वर से लोकमान्य तिलक जाने वाली एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही राजधानी भुवनेश्वर में बंद का पूरा असर देखने को मिला। इसके ही अनुकूल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विप्लव जेना के नेतृत्व में नेशनल हाईवे NH 53 को भी बंद कर दिया गया। NH 53 बंद होने की वजह से हाईवे पर बहुत लंबा जाम लग गया। इसी के साथ बंद का असर भद्रक में भी देखने को मिला। भद्रक के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुब्रत कुमार दास के नेतृत्व में NH को बंद कर दिया गया। वही अगर बात करें उड़ीसा बंद की तो जाजपुर में भी NH को बंद किया गया तथा इसी के साथ साथ पुरी और सोनपुर जिला भी बंद कर दिया गया। पूरी तरीके से बंद का असर दिखाई दिया भुवनेश्वर और भद्रक से स्टेट हेड प्रताप भारती, अनुगुल से सॉरी रंजन पंडा, जाजपुर से राकेश भारती, भद्रक से स्टेट हेड प्रताप भारती आदि सभी मौजूद रहे। R9 भारत के लिए बाल गोपाल भुक्ता की रिपोर्ट, उड़ीसा।